नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर प्रिया सिंह है। मैं ऑब्स्टेट्रिशियन एंड गायनेकोलॉजिस्ट हूँ नोबल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मिसरौद में। मैं यहाँ पिछले 10 वर्षों से काम कर रही हूँ और आज हम जिस बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करने के लिए जा रहे हैं या हम मैं आपको कुछ जानकारी देना चाह रही हूँ, वो है पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिसीज़। पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिसीज़ जो है या पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम, दोनों ही एक ही चीज़ें हैं, पर इसमें जब लक्षण बढ़ते जाते हैं तो ये सिंड्रोम का रूप ले लेती है। आम तौर पर आजकल हर 5 या 6 में से एक महिला या बच्ची को ये रोग निकल के आने लगा है। बेसिकली पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिसीज़ होता क्या है, किस वजह से आज हर कोई इसको लेके इतना ज़्यादा वरीड है अपनी लाइफ स्टाइल में। ज़रा सा एक सोनोग्राफी हुई जिसमें निकल के आ जाता है कि आपको पॉलीसिस्टिक ओवेरियन का अपीयरेंस आ रहा है। तो होता क्या है पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिसीज़? नॉर्मली महिलाओं में जो है अंडा 12वें से 14वें दिन पे निकलता है, उसके बाद में अगर वो फर्टिलाइज हो जाता है तो प्रेगनेंसी होती है, अगर नहीं होता है, अनमैरिड है या नहीं होता है फर्टिलाइज, तो पीरियड आ जाता है। ये एक हार्मोनल प्रक्रिया है। लेकिन पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिसीज़ में हमारे जो नॉर्मल ब्रेन से जो हार्मोन्स निकलते हैं ओविलेशन कराने के लिए, उनका जो बैलेंस है वो गड़बड़ा जाता है। जैसे कि जब हमारा 12वें दिन या 14वें दिन जो ओविलेशन का टाइम होता है, उस वक्त ब्रेन से LH हार्मोन निकलता है जो कि हमारे अंडे को बनाने में मदद करता है, उसको मैच्योर करने, ओविलेट होने में मदद करता है। लेकिन पॉलीसिस्टिक डिसीज़ में हार्मोनल गड़बड़ी की वजह से LH की मात्रा जो है वो बढ़ जाती है, जिसकी वजह से वो ओविलेशन फेज़ में जा ही नहीं पाता, वो एग फॉर्म में निकल ही नहीं पाता और छोटे छोटे बहुत सारे जो हैं सिस्ट बन जाते हैं ओवरी के सराउंड्स में, जो कि पॉलीसिस्टिक ओवेरियन कहलाता है। बहुत सारे सिस्ट, पॉली, जैसे सोनोग्राफी कभी कराई जाती है तो उसमें बहुत सारे सिस्ट जो हैं मोतियों की माला जैसे दिखने लगते हैं, दैट इज़ नोन एज पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिसीज़। लेकिन इससे दिक्कत क्या हो रही है हमारे अंदर, है ना? इससे दिक्कत ये हो रही है कि हार्मोनल गड़बड़ी की वजह से अंडा नहीं बनता, ओवरी में एंड्रोजन जो हॉर्मोन्स का लेवल होता है और जो ईस्ट्रोजन हार्मोन है जो कि उस फॉलिकल को मिच्योर करने में मदद करता है, उसकी मात्रा कम होने लगती है। तो जब एंड्रोजेनिक हार्मोन्स बढ़ते हैं जो कि मेनली पुरुषों में पाए जाते हैं, लेकिन महिलाओं में भी ये कुछ मात्रा में मिलते हैं, तो जब हार्मोनल गड़बड़ी होती है तो कुछ जो गुण पुरुषों में होते हैं वो महिलाओं में भी डेवलप होने शुरू हो जाते हैं। तीसरी चीज़ क्या गड़बड़ होती है पॉलीसिस्टिक में? हमारा इंसुलिन का जो मेटाबॉलिज्म है, शुगर ग्लाइकोजन का जो मेटाबॉलिज्म है, वो गड़बड़ा जाता है, जिसकी वजह से ग्लूकोज जो है वो चर्बी में ही रह जाता है, ना कि वो मेटाबोलाइज हो पाता है, जिसकी वजह से बॉडी को, पैंक्रियास को इंसुलिन और मात्रा में बढ़ाना पड़ता है, लेकिन वहाँ इंसुलिन रेजिस्टेंस होने लगता है। तो तीसरा प्रमुख जो चीज़ होती है, दिक्कत जो होती है, वो इंसुलिन रेजिस्टेंस की है। चौथी चीज़, इसके लक्षण क्या क्या हैं, PCOD में जो महिलाएं आती हैं उनको क्या लक्षण हमारे सामने आने लगते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो होती है वो साइकिल का गड़बड़ होना, पीरियड्स का गड़बड़ होना। किसी किसी को पीरियड एक एक दो दो महीने में आते हैं, कम कम आने लगते हैं, या तो ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा होने लगती है या फिर वो पीरियड्स बंद ही नहीं हो पाते, इससे महिला बहुत ज़्यादा परेशान होने लगती है। दूसरी चीज़ जो होती है एंड्रोजेनिक साइड इफ़ेक्ट, लाइक चेहरे पे, साइड्स पे बाल आना, हेयर की ग्रोथ बढ़ जाना, लिप्स के ऊपर बाल आने लगना, टमी पे हमारे बाल आने लगना, है ना, हाथ और पैरों में बालों की मात्रा बढ़ जाना, पिंपल्स होने लगना, एक्ने होने लगना, ये बहुत कॉमन लक्षण है, हर्सिटिज्म कहलाता है, जिसको कि मेल एंड्रोजन जो हार्मोन बढ़ता है उसकी वजह से ये सारे लक्षण हमारी बॉडी में आने लगते हैं। तीसरी चीज़ जो होती है वो है इंसुलिन
रेजिस्टेंस, जब हमारा ग्लूकोज का, ग्लाइकोजन का मेटाबॉलिज्म पूरी तरह ख़राब हो जाता है, तो इसकी वजह से फिर बॉडी वेट बढ़ना शुरू होता है, जो कि पीसीओडी में बहुत सामान्य सी चीज़ होती कि ओबेसिटी होना शुरू, मोटापा चढ़ना चालू होता है। तो ओबेसिटी हो रही है हार्मोनल इम्बैलेंस से, इधर हो रहा है पीसीओडी, इधर वे दोनों ही एक दूसरे को सपोर्ट करते चलते हैं। मोटापा रहेगा तो पीसीओडी ठीक नहीं होगा, पीसीओडी रहेगा तो मोटापा ठीक नहीं होगा। चौथी चीज़ जो बहुत कॉमन लक्षण हमारे पीसीओडी में देखने को मिलता है, वो होता है प्रेगनेंसी या कंसीव करने में प्रॉब्लम होना, क्योंकि जब अंडे ही नहीं बनेंगे तो आप कंसीव कैसे करेंगे। पांचवी चीज़ जो पीसीओडी में बहुत कॉमनली हम देख रहे हैं, वो है प्रेगनेंसी के दौरान भी इसकी वजह से बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट, जैसे कि प्रेगनेंसी का लॉस होना, एबॉर्शन होना, क्योंकि अगर अंडा अच्छा नहीं बनता है, जैसा कि पीसीओडी में होता है कि 8 या 10 mm का छोटा सा एग बनता है, और अगर उससे किसी ने कंसीव कर लिया तो वो फर्टाइल नहीं हो पाएगा, वो प्रेगनेंसी सफल नहीं हो पाएगी, है ना। तो इसकी वजह से रिकरेंट एबॉर्शन होना, या फिर जो है आपका शुगर होना मदर को इन फ्यूचर, या फिर हाइपरटेंसिव हो जाना प्रेगनेंसी के दौरान, या बच्चे की ग्रोथ प्रॉपर नहीं हो पाना, ये बहुत सारे लक्षण पीसीओडी की वजह से फर्दर प्रेगनेंसी में भी आ सकते हैं, तो प्रेगनेंसी भी कॉम्प्लिकेटेड हो सकती है। अब इसको जांच करने के हमें क्या क्या हमारे पास साधन उपलब्ध हैं, तो पीसीओडी को डायग्नोस करने के लिए हमारे पास लैब टेस्ट होते हैं, और साथ ही साथ सोनोग्राफी कराई जा सकती है। लैब टेस्ट जो कराए जाते हैं पीसीओडी को डायग्नोस करने के लिए, वो महीने के दूसरे दिन पे कराए जाते हैं, जैसे कि सबसे कॉमन है LH और FSH की मात्रा को देखना, इनके रेशो को देखना कि ये गड़बड़ तो नहीं हो रहा है। अगर हमें एंड्रोजेनिक साइड इफ़ेक्ट आ रहे हैं, जैसे बाल बढ़ रहे हैं, एक्ने हो रहा है, तो फ्री टेस्टोस्टेरोन के लेवल चेक करना, प्रोलैक्टिन का लेवल चेक करना, थायराइड प्रोफाइल करा के देखना कि भाई इसमें कोई गड़बड़ तो नहीं है, और एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है हमारे इंसुलिन का लेवल देखना, ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट करा के देखना कि डायबिटीज़ की तरफ तो नहीं जा रहा है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं हम ब्लड के थ्रू पता कर सकते हैं कि महिला या बच्ची पीसीओडी में तो नहीं जा रही है। इसके अलावा सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है सोनोग्राफी करा के देखना, उसमें हमें पर्ल लाइक पर्स्टिंग लाइक जो फीचर होता है कि मोतियों की माला जैसे सिस्ट दिखते हैं ओवरी के सराउंड में, अगर ऐसा कोई फीचर्स हमें उसमें दिख रहा है तो ये पीसीओडी को डायग्नोस कराता है। अब इससे हम बच कैसे सकते हैं। नॉर्मली पीसीओडी जो होता है एक लाइफस्टाइल बॉर्न डिसीज़ है, मेनली 24-30% में ये जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन से आता है, अदरवाइज ये हमारी आजकल की दिनचर्या और लाइफस्टाइल की वजह से ज़्यादा होता है। तो इसमें क्या क्या चीज़ें हैं जो हमें पीसीओडी दे देती हैं। बहुत ज़्यादा सेडेंटरी रहना, बिल्कुल कोई एक्सरसाइज नहीं करना, आराम से बैठे रहना, घंटों बैठे रहना, पानी नहीं पीना, डाइट प्रॉपर नहीं लेना, जिसकी वजह से वेट गेन होने लगता है। दूसरी चीज़, आजकल के यंग एज में जो बच्चे हैं वो बहुत जल्दी स्मोकिंग, ड्रिंकिंग और बहुत सारी चीज़ें जो हैं स्टार्ट कर देते हैं उसकी वजह से। तीसरी चीज़ है स्लीपिंग पैटर्न का, सर्कैडियन रिदम जो होती है बॉडी की, वो डिस्टर्ब होना, जिसकी कारण क्या होते हैं, बहुत बहुत देर तक के रात को मोबाइल देखते रहना, टाइम पे सोना नहीं, रात का डिनर प्रॉपर टाइम पे नहीं करना, ये वजह होती है हमारे पीसीओडी की तरफ जाने की। चौथी चीज़ है हमारा हार्मोनल जो गड़बड़ी, पीसीओडी इज़ अ हार्मोनल डिस्टर्बेंस डिसीज़, तो हमको जो है उसको बैलेंस करने के लिए अपनी लाइफस्टाइल को भी बैलेंस करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी, क्योंकि आज हमने ट्रीटमेंट कराया पीसीओडी का, वो ठीक हो गया, और हमने फिर अपनी वही रूटीन शुरू कर दी कि भाई हमको समय पे नहीं उठना, समय पे नहीं खाना, रिकरेंस होता है पीसीओडी का। क्यों? क्योंकि आप वापस अपनी पुरानी लाइफस्टाइल पे पहुंच जाते हैं। सो दैट पीसीओडी से अगर बचना है तो हमें कुछ चीज़ें जो ट्रीटमेंट पार्ट पे भी आती हैं इसके, ये हमें ध्यान रखना चाहिए। पहली चीज़ है
आपको प्रॉपर एक्सरसाइज करनी है, सुबह उठ के टाइम पे, शाम को टाइम पे जो है खाना खाना है, डिनर लेना है, टाइम पे सोना है, स्ट्रेस लेवल को कम करना है, स्लीपिंग पैटर्न को बैलेंस करना है। एक्सरसाइज ऐसा नहीं कि आज तो मैं वॉक कर ली कल मैं नहीं करती, या मैंने 5 दिन वॉक किया, 1 महीना वॉक किया, मेरा वेट लॉस नहीं हो रहा है तो मैं क्यों करूं? नहीं, आपको एक अपना पूरा शेड्यूल बनाना पड़ेगा, 3-4 महीने का एक टारगेट सेट करना पड़ेगा कि भाई मैं 2 महीने में 3 किलो 4 किलो वेट लॉस करूँगी, उस टारगेट को अचीव करना होगा। ये चीज़ें PCOD के ट्रीटमेंट में बहुत आवश्यक है। कैलोरीज, लोग अपने डाइट में प्रोटीन को एक्सक्लूड कर देते हैं, डेयरी प्रोडक्ट को एक्सक्लूड कर देते हैं, नहीं, ये सब हमारी डाइट में होना चाहिए क्योंकि बैलेंस डाइट इज़ मस्ट। कोई भी चीज़ को हटा के आप फिट नहीं हो सकते, भूखे रह के आप दुबले नहीं हो सकते, इससे आपका वीकनेस लेवल और बढ़ेगा, विटामिन की डेफिशिएंसी बढ़ेगी। सो ऑलवेज आपका जो डाइटरी इनटेक है वो बैलेंस्ड होना चाहिए, उसमें प्रोटीन भी होना चाहिए, कार्बोहाइड्रेट भी होना चाहिए, फैट भी होना चाहिए। इसके साथ साथ सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वाटर इनटेक। वाटर इनटेक का कैलकुलेशन बहुत अच्छा है कि आप जो हो, जितना आपका वेट है उसको आप 40 से मल्टीप्लाई करो, जितना आपका अमाउंट आ रहा है उतना आपको जो है डेली वाटर इनटेक करना चाहिए, ये मस्ट है। हर किसी की बीमारी और लक्षण के हिसाब से उसका वाटर इनटेक या डाइट इनटेक कम ज़्यादा हो सकता है, तो आप डाइटिशियन की हेल्प लीजिए, दे विल मेक अ प्रॉपर डाइट चार्ट फॉर यू। देन वी कम टू द ट्रीटमेंट पार्ट। ट्रीटमेंट पार्ट जो हमारा इंक्लूड करता है वो मेडिकल होता है एंड सर्जिकल हो सकता है। मेडिकल पार्ट जो है वो डॉक्टर विल टेल यू कि आपको लक्षण के हिसाब से कैसा दवाई चलनी है, अगर गायनेकोलॉजिस्ट है तो वो पीरियड या प्रेगनेंसी जो भी प्रॉब्लम है उससे रिलेटेड आपको ट्रीटमेंट देगी। अगर PCOD बहुत ज़्यादा लंबे समय से है, ट्रीटमेंट लेने के बाद भी ठीक नहीं होता है, नाउ यू वांट टू कंसीव कि हमको जाना है, तो लैप्रोस्कोपी इज़ ऑल्सो अवेलेबल फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ PCOD। हम लैप्रोस्कोपिक सर्जरी से भी उसको जो है करेक्ट कर सकते हैं। सो दीज आर द वेरी इम्पॉर्टेंट थिंग विच शुड नो एवरीबडी आज की डेट पे कि PCOD होता क्या है और हम इससे कैसे बच सकते हैं और कैसे हम इसका इलाज कर सकते हैं। अगर आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया तो आप कमेंट बॉक्स पे जाके उसे लाइक कर सकते हैं, इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं, और अगर आपके कोई भी सवाल तो वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।